नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन छठे अपडेट तक रिकॉर्ड तोड़ 85 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में प्रभावितों की संख्या 696 पहुंच गई है, जिसमें संक्रमित पाए गए हैं। लोगों की बात करें तो नालंदा के 11, मुंगेर के 11, भागलपुर के 9, पटना के 9, मधेपुरा के 7, सहरसा के 7, किशनगंज के 8, ईस्ट चंपारण के 4, मुजफ्फरपुर के 3, अरवल के 3, गया के 2, नवादा के 2, दरभंगा के 2, अररिया के 1, बेगूसराय के 1, भोजपुर के 1, औरंगाबाद के 1, समस्तीपुर के 1 और खगड़िया में 1 मरीज की पहचान की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित इलाके में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करवाने की अपील की है। साथ ही सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनों के परिचालन की दी अनुमति। रेल मंत्रालय ने कोविड-19 के जारी माहौल में अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए राजधानी दिल्ली में ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत 12 मई से हो जाएगी। पहले चरण में कुल 15 ट्रेन दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लिए चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में दिल्ली से पटना, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता के बीच नई ट्रेन चलाने पर विचार हो रहा है। बिहार के प्रवासी मजदूर लौटने के क्रम में कोरोना भी ला रहे हैं संग। बिहार में कोविड-19 का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरे राज्य में फंसे प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने का आदेश भी जारी किया था, जिसके बाद बिहार में प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन प्रवासी अपने साथ साथ कोरोना भी राज्य में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बीते दिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 49 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 44 लोग दूसरे राज्य से फिलहाल अभी वापस लौटे हैं, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ गई है। लॉकडाउन 3.0 में अब वाहन पास के सिर्फ 2 विकल्प जारी किए गए हैं। कोविड-19 को लेकर देश में तीसरी बार लॉकडाउन का ऐलान जारी किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में राज्य के लोगों को निजी काम के लिए सिर्फ 2 ही स्थितियों में वाहन पास मुहैया करवाए जाने का ऐलान जारी किया गया है। पहला इलाज करवाने और दूसरा पारिवारिक सदस्य के दुनिया से गुजरने के बाद उनके सम्मेलन में शामिल होने के लिए पास जारी किया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी भी हालत में वाहन पास नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति बिहार में फंसा है तो उसे अपने घर जाने के लिए भी पास दिया जा सकेगा। आपको बता दें, आम नागरिकों को पास मुहैया करवाने के लिए 3 श्रेणियां उपलब्ध है, जिसमें व्यक्तिगत, आधिकारिक और व्यापार शामिल है। बीएमपी की कोरोना चेन से पुलिसकर्मी है परेशान। बीएमपी में कोविड-19 की चेन ने बिहार पुलिस मुख्यालय की परेशानी बढ़ा रखी है। बिहार पुलिस मुख्यालय भी बीएमपी 14 में कोरोना के संक्रमण को लेकर परेशानी जाहिर की है। लिहाजा अब बिहार के पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक का कोविड-19 टेस्ट कराने पर सोच विचार किया जा रहा है। खबरों की माने तो कोविड-19 के बीच लगातार ड्यूटी पर वापस आ रहे अधिकारियों और जवानों की सेहत को लेकर चिंतित हो रहे मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जवानों और पुलिसकर्मियों की जांच करवाने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएससी 2012-13 में हुई परीक्षाओं का मूल्यांकन फिर से करने का दिया आदेश। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2012 और 13 में आयोजित की गई परीक्षाओं का मूल्यांकन एक बार फिर से करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन परीक्षाओं का दोबारा मूल्यांकन करने के बाद भी उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आपको बता दें, आयोजित परीक्षाओं के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 2012 और 13 के परीक्षाओं में कुछ सवाल गलत पाए गए थे, जिसके बाद बीएसएससी के रिजल्ट को कई अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जाँच के आदेश जारी किए हैं। 15 जून से गांधी सेतु पुल पर फिर से चलने लगेंगी गाड़ियां। सभी पटना वासियों के लिए अहम सूचना। 15 जून से गांधी सेतु की पश्चिमी लेन पर गाड़ियों के परिचालन की शुरुआत की जाएगी, जिसका आदेश पथ निर्माण प्रधान सचिव अमृत लाल मीना ने जारी किया है, क्योंकि गांधी सेतु पुल पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें, गांधी सेतु का एक नए सिरे से मरम्मत करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच साल 2014 में ही सहमति बनी थी। मरम्मत के बाद भी लगभग 14 करोड़ खर्च हुए हैं, जिसके बाद साल 2017 में इसकी मरम्मत की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के इस माहौल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। बिहार में लगातार कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रवासी बिहारियों के लगातार आने का सिलसिला जारी है और संक्रमण का आंकड़ा भी वैसे वैसे ऊपर जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के हालात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्किल सर्वे पर फोकस करने का निर्देश अधिकारियों को एक बार फिर से जारी किया है। इसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में आने वाले प्रवासियों की कार्य क्षमता का सर्वे कराकर उनके मुताबिक उन्हें मुहैया करवाया जाए। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की एक और झलक आई सामने। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आए दिन अपने अतरंगी अंदाज के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनकी एक अनोखी झलक देखने को मिली है। बीते दिन सोशल मीडिया पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दूध दुहते हुए वीडियो और फोटोज जारी किए गए हैं, जो कि बड़े ही कम समय में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करने लगा है। आपको बता दें, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी वीडियो और फोटोज को खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लॉकडाउन में वाहनों के शोरूम खोलने का ऑर्डर अब डीएम के हाथ। बिहार सरकार के गृह विभाग ने 6 मई को अपने आदेश संख्या 303 में यह साफ कहा था कि बिहार में कई तरह के काम शुरुआत
की जा रही है, जिसके तहत गाड़ियों के शोरूम की दुकानों को खोलने की भी संभावना बढ़ गई थी। हालांकि अब बिहार सरकार ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए यह साफ कहा है कि किसी भी दोपहिया चार पहिए की गाड़ियों के शोरूम को खोलने के लिए अब आदेश जिले के DM से निर्गत करवाना होगा। अगर जिले के जिलाधिकारी को शोरूम खोलने से कोई समस्या नहीं है तो शोरूम को खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। बिहार में एक और मरीज की गई जान। बिहार में कोविड-19 का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वहीं बिहार में छठे व्यक्ति के जान गंवाने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति बाढ़ का रहने वाला था और वह पटना के PMCH में भर्ती था, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई थी। वहीं बिहार में लगातार कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप करने वाले हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करके बिहार का जायजा लेने वाले हैं। जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में आज होने वाली बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा होगी, साथ ही कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बारे में भी सोच विचार किया जाएगा। आज 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बिहार। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने का फैसला लिया था, जिसके तहत उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अनुमति दी थी, जिसके तहत बीते कुछ दिनों से लगातार बिहार में प्रवासी मजदूरों और छात्रों की आवाजाही जारी है। आज भी 18 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार आने वाले हैं, जिसके तहत आज रेवरी से कटिहार, रोहतक से अररिया, भटिंडा से मुजफ्फरपुर, लुधियाना से बेतिया, बेंगलुरु से दरभंगा, अमृतसर से बरौनी, अमरावती से बरौनी, कटपड़ी से दानापुर, नागलापाली से भागलपुर, अजमेर से पूर्णिया, नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर से मोतिहारी, रायनपुर से दानापुर, कोटा से सिवान, सूरत से गया, राजकोट से छपरा ट्रेन आने वाली है। पटना के नए इलाके में फैला कोविड-19 का प्रभाव। राजधानी पटना में लगातार कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन पटना में पांचवें अपडेट तक 9 नए मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद पटना में कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जिले के नए इलाकों में कोविड-19 के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात से भी निश्चित है कि पटना में अब तक 23 लोग ठीक हो चुके हैं और घर वापस लौट चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाने की अपील की है। सुशील मोदी ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुदान की राशि जारी करने की मांग। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुदान राशि मुहैया करवाने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाले 7,434 करोड़ के अनुदान के साथ विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन पर होने वाले व्यय और समग्र शिक्षा अभियान की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने समग्र शिक्षा अभियान में राशि की कटौती नहीं करने की भी अपील की है। बिहार में दो प्राइवेट लैब को मिला कोविड-19 टेस्ट का जिम्मा। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने दो प्राइवेट लैब को कोविड-19 की जांच का जिम्मा सौंपा है, जिसके तहत डॉक्टर लालपैथ लैब और पाथ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को कोरोना जांच की इजाजत दी गई है। यह दोनों प्राइवेट लैब अब लोगों के न केवल सैंपल लेंगे बल्कि उनकी जांच भी करेंगे। अभी तक सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही कोविड-19 की जांच की अनुमति थी, लेकिन अब सरकार कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए प्राइवेट लैब को भी इसका हिस्सा बना रही है। सहरसा और कटिहार रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 देखभाल केंद्र का होगा निर्माण। कोसी क्षेत्र का सहरसा और सीमांचल का कटिहार रेलवे स्टेशन कोविड-19 देखभाल केंद्र बनाया जाएगा। बिहार के 15 रेलवे स्टेशनों में सहरसा स्टेशन को भी कोरोना से प्रभावित मरीजों के देखभाल के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके तहत सहरसा और कटिहार रेलवे स्टेशन पर आइसोलेशन वार्ड में तब्दील रोगियों को अब आम नागरिकों की सेवा के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन पर सभी आम नागरिकों को चिकित्सीय सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया सुझाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन भाजपा विधायकों और विधान पार्षदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव पर विचार विमर्श किया था, और इसी दौरान भाजपा विधायकों ने श्रमिकों और किसानों की सहायता को सर्वोपरि रखने की बात कही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे में मिठाई की दुकानों को खोलने का भी आग्रह किया है। उनका यह मानना है कि मिठाई की दुकान खोलने से दूध की खपत में बढ़ोतरी होगी। श्रम नीतियों को लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आएगा जल्द ही। बिहार में लघु श्रम नीतियों की बंदिशों मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसकी जानकारी संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है और यह बताया है कि श्रम कानूनों में सुधार पर विचार हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो उद्योग में काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही उद्योग अन्य सुविधाजनक बदलाव भी कर सकते हैं।
राजद बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों का रखेगी खास ख्याल। बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों का खास ख्याल रखने के लिए राजद सरकार ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि वापस लौटे सभी मजदूर परिवार के सदस्य, उनका ख्याल रखा जाए। सभी राजद नेता अपने निकट स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए मुस्तैद रहे और फूल माले से उनका स्वागत करें। इतना ही नहीं, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है या नहीं। जदयू नेता अजय आलोक ने राजद पर कसा तंज। राज्य सरकार द्वारा अपने नेताओं को स्टेशन पर जाकर फूल माला से मजदूरों का स्वागत करने की पहल को जदयू नेता अजय आलोक ने बचकानी हरकत बताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार हर संभव कोशिश करके मजदूरों को वापस बुलाने का काम कर रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवा रही है। ऐसे में राजद नेता अगर उन्हें फूल माला पहनाने जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा? यकीनन राजद दिमाग से परे पार्टी है। मुजफ्फरपुर में कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव पर डीएम ने दिया अपना बयान। मुजफ्फरपुर में कोविड 19 का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की आवाजाही तो सरकार ने करवा दी, लेकिन आने वालों में से कई लोग कोविड 19 प्रभावित पाए गए हैं, जिसका खुलासा मुजफ्फरपुर में सबसे पहले पाए गए 3 मरीजों के पहचान के बाद हुआ है। शनिवार को 3 मरीजों के आकलन के बाद बीते दिन रविवार को भी 3 मरीजों की पहचान की गई है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिले में लगातार बाहर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, इसी कारण जिले में संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर की टिप्पणी। कोविड 19 के जारी जद्दोजहद में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार सरकार अपना नैतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, तार्किक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, न्यायिक, जनतांत्रिक और संवैधानिक चरित्र एवं संतुलन पूरी तरह खो चुकी है। कम से कम सरकार जनादेश का तो सम्मान रख ले, 15 बरस का हिसाब दे दे, हिसाब देने में कोनो दिक्कत बा। हालांकि जदयू की तरफ से लालू यादव के इस तंज का फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया हुआ तय। कोविड 19 के कारण चल रहे बंद के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में से लगातार बिहारियों का आना जाना जारी है। तकरीबन 1,00,000 से करीब प्रवासी बिहारी बिहार आ रहे हैं और अब तक उन्हें लगातार सरकार के द्वारा घर पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत 50 से अधिक सीट वाले बसों का प्रतिदिन 2,850 रुपया, 40 से 49 सीट वाली बसों के लिए 2,600, वहीं 23 से 39 सीट वाली बसों के लिए 1,950 रुपये किराया दिया गया है। वहीं इनोवा और सफारी के लिए 1,700 रुपये प्रतिदिन, बोलेरो मार्शल के लिए 1,200 रुपये प्रतिदिन, छोटी कारों के लिए 800 रुपये प्रतिदिन, बोलेरो मार्शल के लिए 1,000 प्रतिदिन तय किया गया है। सुरेश रैना ने भारतीय टीम में दोबारा से जाने की जताई इच्छा। भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने बीते दिन इरफान पठान के साथ इंस्टाग्राम लाइव के दौरान क्रिकेट में वापसी को लेकर कई अहम बयान दिए थे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि वह भारतीय टीम में दोबारा से वापसी कर सके। हालांकि वह आईपीएल के माध्यम से इस साल वापसी करना चाहते थे, लेकिन कोविड 19 की वजह से आईपीएल का आयोजन ही नहीं हो पाया और उनका यह सपना थोड़े समय के लिए थम गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल के आईपीएल के लिए मेरी तैयारी पूरी थी। आपको बता दें, इंस्टाग्राम लाइव के दौरान इरफान पठान ने कहा कि हम तो भारतीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसमें वापस आएं। इसी के जवाब में सुरेश रैना ने उक्त बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि वह दोबारा से टीम में वापस आएं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, पप्पू कुमार, अजीत सिंह, धर्मेंद्र कुमार, शत्रुघ्न कुमार, हरिओम, पिंकी देवी, वीरेंद्र कुमार, लीला कुमारी, मनीष कुमार, विकास कुमार, आलोक कुमार, प्रेमनाथ शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में अचानक कोविड 19 के बढ़ते मामलों का कारण आपके अनुसार क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।